हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज सीन ऐसा है कि नानी के घर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, और आज अपने शूटिंग भी करी थी। प्राची के जन्माष्टमी के लिए एक डांस तैयार कर रही थी, तो वो तो मैं शूट कर दिया है मैंने, लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके हमने एडजस्ट करा सब। ग्रीन स्क्रीन तो हम पे थी नहीं, इसलिए हमने मार्केट से जो थान के क्लोथ आते हैं ना, थान के पीस आते हैं, मतलब एक दो मीटर की, दो मीटर की, उनको दो दो तीन तीन करके सील रखा है, सिलवा रखा है मतलब। तो गाइस देखो, यहाँ पे करा था हमने जो ग्रीन स्क्रीन वाला काम था पूरा, तो पीछे पूरा नीचे करा था हमने, नीचे भी बिछा रखा था थोड़ा थोड़ा। ये देखो आधा यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन, उसमें मतलब बहुत लाइट चाहिए रहती है वैसे कि शेडो वगैरह ना, इसलिए मैंने बल्ब भी लगाए थे। गाइस आज मुझे पता चल रहा है कि जो असली एडिटिंग कर रहे हैं उन्हें कितना टाइम लगता होगा, क्योंकि मुझे दो मिनट की वीडियो बनाने के लिए केवल चार घंटे लग गए। मैंने केबल भी क्या बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से, तो बहुत काम चल रहा था नीचे पूरा, अभी धुली धूल हो रखा है, अभी कुछ वायरिंग वगैरह हो रही है ना, कनेक्शन वगैरह। तो मौसम की बात करें तो मौसम कुछ ऐसा है, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ तो ये देखो गाइस, तो आज भी वैसे ही थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि बारिश हो सकती है उस जगह में, तो होने लग गई है बारिश, लेकिन इस साइड भी हो सकती है। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी फैमिली के लिए कि अभी हमारे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 400 मेंबर्स हमारे इस चैनल में हैं, और भगवान करे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स जुड़ते जाए, ऐसी कम्यूनिटी बन जाए, और ज़्यादा मज़ा आए हमें। तो चलो आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। रिसेंट में RCM की एक शॉप खुली, तो मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ जो वहाँ के होस्ट हैं, ओनर है। चलो गाइस सब जल्दी से चलते हैं RCM वाली शॉप पे। अंकल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अंकल है यहाँ के ओनर RCM के, थलीसन के RCM के। और अंकल आप कुछ मतलब RCM क्या है आपके सबसे? RCM ये रेड कॉन्सेप्ट मार्केट, उसका फुल फॉर्म है रेड कॉन्सेप्ट मार्केट, यानी खरीदारी का सही तरीका। यदि आप दुकान चेंज करोगे और आपका एकदम अच्छा स्वास्थ्य प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, स्वास्थ्य हेल्थी प्रोडक्ट, हर फूड सारे ये क्वांटिटी सब हेल्थी प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा है, सारे खाना एकदम स्वास्थ्य है। यहाँ पे सप्लीमेंट भी है जो हमने लगाए हुए हैं सप्लीमेंट, और खाना तो हमारा जो भी है रैश ब्रांड ऑयल है, साबुन सब ब्रांड ही है। एक बार दुकान को अवश्य चेंज करो, सेवा का मौका दो जरूर हम, क्योंकि थली शहर में एक ऐसे अंडरवर्ल्ड जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड क्विक मार्केट, इसका नाम है RCM का एक दुकान है ये, मनी मेन्यू पीस लगा लो इसको, तो ये अच्छी है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हैं, आपको पता है हेल्दी प्रोडक्ट हैं सारे, आप देख लीजिए सारे चीज हेल्दी प्रोडक्ट हैं पूरे। तो अंकल आप अपने आ रहे हो कुछ, आप पहले कहाँ जॉब करते थे? सर मैं था बम्बई में, मैं बम्बई में सेफ था, होटल में सेफ था मैं बम्बई में, तो लॉकडाउन होने के कारण जो है कि मैं बेरोजगार हो गया, लगा लो एक प्रकार का बेरोजगार उस समय हो गया, तो 2020 से लगा लो 22 मार्च से हम घर आ गए थे, उसके बाद हमको 2 साल होने वाले यहाँ पे, इसमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कमाई आएगी, पर आप एक खोल के दिखाओ यहाँ पे एक दुकान, बड़ी दुकान खोले आप, तो फिर मैंने इस पे पैसे लगाए, कुछ काफी पैसे इसमें खर्च किए, अंडरवर्ल्ड को खोला, और फिर RCM बिजनेस माने सही तरीका, उसके बाद हम इसमें हो गए। होटल में तो सब अच्छा था, मैंने अच्छी कमाई थी, यहाँ पे उतना तो है नहीं, पर धीरे धीरे होएगा इसमें भी, इस बिजनेस में भी अच्छा आएगा धीरे धीरे। मैं बुढ़ापा बुढ़ा भी हो गया हूँ, इतने एज भी ज्यादा हो गया, पर तब भी अंकल आपका 50+, पर जॉब करने का मन तो कर रहा है, जॉब पे जाने का मन कर, पर होटल लेना भी थोड़ी मंदी चल रहे सारे। तो अंकल आपका मुंबई की थोड़ी लैंग्वेज बोल सकते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ थोड़ी अलग टाइप की लैंग्वेज चलती है। हाँ तो अपन को क्या है, कोई लफड़ा नहीं मांगता है, लफड़ा नहीं मांगता, जैसे ए बेवड़े इकड़े इकड़े जाओ तिकड़े बसा, काय कर दो जेवन पाजी, काय कर दो तुम्हें इकड़े, तो ये खरीदारी का सही तरीका, बाकी क्या होटल में हम ची मुंबई बोलते, हम ची मुंबई बोलते हैं, और क्या बोलना चाहोगे। हाँ जी अंकल, तो आपकी हैट आप पे बहुत अच्छी लग रही है, जो आपकी हैट है ना। थैंक यू गाइस, आप भी प्लीज आना अंकल के स्टोर में, और अगर आप कहीं और रहते हो तो आप नियर बाई RCM के स्टोर्स में भी जाना, थली शहर में गोल मार्केट में हमारी ये दुकान है, अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट है, और जरूर सेवा का मौका दे एक बार हेल्थी प्रोडक्ट, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और सब्सक्राइब करे, और बहुत लाइक करे, और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, बहुत थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइस आया ना आपको भी मजा? हाँ, तो अंकल बहुत कॉमेडी भी है ना, बहुत क्यूट भी है, तो
आपको जैसे आपको पता है कि कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की सब प्रिपरेशन चल रही है यहाँ के नए मंदिर में। तो चलो देखें क्या करें, जाए वहाँ एक बार देखने के लिए। आवाज़ तो आ रही है माइक में, उसमें रिवर्ब हो रही है पूरी। तो चलो मेरे ख्याल से चलते हुआ यार। गाइस मुझे तो ये तो पक्का पता चल गया कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ये तो पक्का ही आता है। ये देखो देखो मैं बोलता हूँ, हे गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। ये देखो गाइस, हे गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। और ये है पाफड़ के पत्ते, इसमें मतलब पानी टिकता नहीं है, जैसे कमल के पत्ते में नहीं टपकता मैं टिकता, वैसे इसमें भी नहीं टिकता। गढ़वाली में पाफड़ बोलते हैं अरबी के लिए। नाना जी प्रणाम, आप भी घूमने जा रहे हो? हेलो क्या कर रहे हो तुम? डांडिया खेलने जा रहे हैं। क्या खेलना? डांडिया। डांडिया खेलना है, कल खेलोगे? अंडी प्रणाम। वो सबसे पहले मैं जूते निकालता हूँ भाई, सीधी मंदिर में सब जूते। और देखो यहाँ कितनी भीड़ हो रही थी, मतलब आज के दिन में भीड़, पिछले बार तो नहीं भीड़ नहीं हुई थी लेकिन इस बार तो ठीक ठाक हो रही थी। मतलब ये देखो सब प्रिपरेशन वगैरह चल रही है कल के लिए। ये देखो डन किया। अच्छा तुम, तुम्हारा रोल भी है? हाँ। तो यहाँ देखो वही पुराने बच्चे। हेलो हेलो शुभम, ये देखो ले जा रहे। इसको मैं आपको दिखा दिया था पहले, इसका नाम क्या था वो बोल। और बच्चों क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पूजा के लिए आए हो? अच्छा, और तुम्हारा कोई रोल है कल? कल जो प्रोग्राम होगा हम गाते ही नहीं बना है। तो देखो भाई सबके सब लग रखे, पता नहीं क्या करने हैं। आंटी प्रणाम, देखो भाई सबके सब। मौसी प्रणाम, आंटी प्रणाम। ये क्या कर रहे हो आप लोग? हैप्पी जन्माष्टमी की तैयारी हो रही कल। अच्छा और पौधे क्या कर रहे हो? कलश यात्रा जाएगी हमारी। अच्छा कलश यात्रा, हाँ जी। और कल 8 बजे मम्मी को भी बोल देना, नानी को भी बोल देना, कलश यात्रा 8 बजे आ जाना। अरे मतलब खोद क्या रहे हैं, किसके लिए खोद रहे हैं? रास्ता बन रहा है। अच्छा रास्ता, हाँ रास्ता। मामी प्रणाम, प्रणाम। मामी देखो मामी गाइस, हमने बहुत दिन से देखा नहीं होगा, मामी दिल्ली थी। थैंक यू मामी, आप आए मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। थैंक यू मामी, मैंने सोचा सोनी का दीदी तो अभी दिल्ली है तो मैंने सोचा सोनी का दीदी के लिए एक वीडियो भेजना। हाँ जी, और मंदिर की सजावट भेज देना ताकि उसके दर्शन भी देखे, अपने दर्शन भी देखे। ठीक है।